बच्चों, आज से मैं आप लोगों के लिए जो बायो का क्लास है उसके चैप्टर वाइज ये सीरीज दूंगा, जो कि फर्स्ट लेसन से मैं शुरू करूंगा और लास्ट तक आप लोगों को चैप्टर वाइज देता जाऊंगा। आज हम लोग शुरुआत करते हैं बायोलॉजी से। तो अब फर्स्ट लेसन में आपका है, फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, जैव संसार। इसमें हम पढ़ते हैं जो विश्व के विभिन्न भौगोलिक भाग में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं, वनस्पति पाए जाते हैं, फ्लोरा फना अलग अलग होता है, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्रम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूं बायोलॉजी से। देखिए, बायोलॉजी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड है। एक शब्द बनता है बायोस, बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लॉगस, LOGOS, लॉगस मीन्स होता है स्टडी, इसको हम डिस्कोर्स भी कहते हैं, स्टडी ऑफ डिस्कोर्स। तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, इसको हम जीव विज्ञान हिंदी में कहेंगे। तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लॉगस, लाइफ स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के बारे में क्रमबद्ध सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं, कहलाता है जीव विज्ञान या बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम दो वैज्ञानिकों ने दिया था बायोलॉजी शब्द को, और इसके पहले बायोलॉजी को लाइफ साइंस के रूप में जाना जाता था, जीवन विज्ञान, लाइफ साइंस। तो बायोलॉजी के दो अर्थ हुए, दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लॉगस, लाइफ स्टडी और डिस्कोर्स। हम चलते हैं, ये बायोलॉजी शब्द दिया किसने? बायोलॉजी शब्द को दिया था ट्रेवेरिनस और लेमार्क ने। ट्रेवेरिनस और लेमार्क ने बायोलॉजी शब्द दिया था, एंड डी लैमार्क। ये 1802 सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द दिया गया था किसके द्वारा? ट्रेवेरिनस और लैमार्क द्वारा। बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं, जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं? देखिए, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। देखिए, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? अरस्तु को कहा जाता है, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। इनका जो जीवन काल है वह 385 to 323 BC, बिफोर क्राइस्ट। ये 385 से 323 ईस्वी पूर्व थे। ये बहुत बड़े दार्शनिक जिन्होंने सर्वप्रथम लाइफ साइंस का स्टडी किया था, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के हैबिटेट के बारे में देखा और उनको क्लासिफाइड किया था, इसलिए इन्होंने इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, एरिस्टोटल को। इसके तो दो पार्ट हुए, नंबर वन जूलॉजी। जूलॉजी के भी एक ग्रीक शब्द है, इसको दो भागों में बांटा जाता है, जून, जून मान का मतलब होता है एनिमल, जून माने एनिमल, और लॉगस का मतलब जानते ही हैं, स्टडी या डिस्कोर्स, स्टडी ऑफ एनिमल। जूलॉजी माने प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके बारे में विभिन्न प्रकार के प्राणियों के जीवन वृत्त के बारे में, वो कहाँ पाया जाता है, हैबिट, हैबिटेट क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है, उसका बिहेवियर क्या होता है, उसके लाइफ साइकिल कैसे चलती है, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को कहते हैं जंतु विज्ञान या जूलॉजी। हाँ, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को ही कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। अगर क्वेश्चन आता है
तो क्या होगा, वही एरिस्टोटल 385 टू 323 बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व। ये तो हो गया जूलॉजी के बारे में। अब हम आते हैं बॉटनी के बारे में, वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र, जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इन विच वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं बॉटनी। अब बॉटनी के बारे में सर्वप्रथम जो स्टडी किया था सिस्टमेटिक, और उसको क्लासिफाइड भी किया था, वो कौन है, वो है थियोफ्रेस्टस। ये भी ग्रीक फिलोसोफर हैं, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ये 372-287 BC या इससे पूर्व माना जाता है इनको, 370-287 ईस्वी पूर्व बिफोर क्राइस्ट। थियोफ्रेस्टस द फादर ऑफ बॉटनी, क्या कहते हैं इसको, इन्हें कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी। कौन है, थियोफ्रेस्टस। बॉटनी शब्द कहाँ से आया, ये तो हो गया आपको मालूम कि फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल हैं और फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं। अब बॉटनी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ओरिजिन कहाँ से हुई, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस आपके दिमाग में आ गया होगा। देखिए बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है बोटेन से, BOTANE, बोटेन से बना है बॉटनी। बोटेन का मतलब होता है शाख या पौधे, हर्ब, हर्ब्स हुए माने शाख हुए, जिसका यूज हम भोजन में करते हैं, छोटे छोटे पौधों के को ही बॉटनी कहा गया। हालांकि इसको हम जितने प्लांट है सबके बारे में जानते हैं इसके बारे में, तो बोटेन का मतलब हो गया हर्ब या शाख। बोटेन से बना बॉटनी, इसका स्टडी कहलाता है बोटेन का स्टडी ही बॉटनी। और बोटेन की उत्पत्ति किससे हुई है, बोस्किन से, BOSKIN, बोस्किन। बोस्किन का मतलब होता है चरना, ग्रेजिंग। ग्रेजिंग खाना, चरना। और बोस्किन की उत्पत्ति कैसे हुई है, बोवस से। बोस का मतलब क्या होता है, एनिमल, कैटिल खासतौर से। तो एनिमल द्वारा हर्ब का ग्रेजिंग करना, इसमें एक साइंस छुपा हुआ है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में आदिमानव समझे कि वो कौन सा हार्मफुल है, कौन सा बेनिफिशियल है, कौन से बड़े पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जो हैं वो हमारे लिए लाभप्रद हैं, कुछ हानिप्रद हैं। वहीं से स्टडी शुरू हो गई थी बॉटनी की, अनजाने में कुछ ऐसे भी प्लांट हुए जिनको आज भी कैटिल नहीं खाते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे लिए एडिबल नहीं है, और जो एडिबल है वो खाते हैं, हो सकता है वो पॉइजनस, ऐसे भी पॉइजनस प्लांट हो जो उनके लिए बहुत नुकसानदायक हों। तो जब एनिमल में, छोटे छोटे जीव जंतुओं में, कैटिल में ये कैपेसिटी है कि पौधों को पहचानने की, कि कौन सा लाभदायक है, कौन सा पेड़ पौधा हमारे लिए लाभदायक है, कौन सा हानिकारक है, तो उसी आधार पर इसको एक स्टडी के रूप में डेवलप किया गया, जिसको कहते हैं हम बॉटनी। तो बॉटनी है क्या, एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। तो ये तो भाग हो गए बायोलॉजी के, बायोलॉजी के दो पार्ट हुए, जूलॉजी और बॉटनी। अब हम बायोलॉजी के कुछ ब्रांच के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी शाखाएँ हैं, उन शाखाओं के बारे में हम स्टडी करेंगे, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनते हैं, बहुत से कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, तो आपको शॉर्टकट में हम जल्दी से बता करके आपको हम बायोडायवर्सिटी पर चलते हैं, लिविंग बर्ड के। इसके पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दें, कौन कौन से इसके फील्ड हैं, स्कोप हैं और ब्रांच हैं इसके बारे में। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, नंबर वन सीधे हम चलते हैं मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो
लॉजी। देखिए मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस का स्टडी करना, बाह्य लक्षणों के बारे में जानना, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है उसको कहते हैं बाह्य रचना के बारे में अध्ययन। इसके अंतर्गत जीवधारियों के बाह्य रचना के बारे में अध्ययन करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं हम मॉर्फोलॉजी। नंबर दो एनाटॉमी, एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट है, उसकी रचना कैसे है, सबसे बाहर एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, अब लोअर क्लास में पढ़े हैं हाई स्कूल में नाइन्थ में, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको हम बताएंगे। तो ये है एनाटॉमी, बोन है, बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, मसल्स का जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, टिश्यूज के स्ट्रक्चर कैसे हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये है एनाटॉमी। नंबर थर्ड है साइटोलॉजी, बिल्कुल शॉर्ट में आपको दे रहा हूँ। साइटोलॉजी का मतलब है कोशिका विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कोशिकाओं के रचना के बारे में जानते हैं कि कोशिका क्या है, सेल क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, इसको कहते हैं हम साइटोलॉजी। नंबर फोर्थ कैरियोलॉजी, कैरियांक मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना कहलाता है कैरियोलॉजी। नंबर फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी को हम कहते हैं शरीर क्रिया विज्ञान, कैसे रेस्पिरेशन होता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, और वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एनिमल कैसे रेस्पिरेशन या प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, और इसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है, इन सब के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ये सब की जानकारी हमको मिलती है फिजियोलॉजी। हालांकि फिजियोलॉजी दोनों में हम प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी दोनों अलग अलग ढंग से हम पढ़ते हैं। इसके बाद है सिक्स पर टैक्सोनॉमी, कोई जरूरी नहीं किसी क्रम में, आप क्रम आगे पीछे भी कर सकते हैं। टैक्सोनॉमी, टैक्सॉस मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर्स एंड सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, उनके समानता और असमानताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार की जीवधारियों को अलग अलग वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, तो उसको हम टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं। फिर नंबर सेवन पर है आपका इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी एक विस्तृत भाग है जो कि आज के लिए परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना, इसमें रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, वहाँ के वातावरण और जीवधारियों के बीच में आपस में जो संबंधों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, इसको कहते हैं इकोलॉजी। इसके बाद है आठवें नंबर पर जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स है जिसके फादर ऑफ जेनेटिक्स को ग्रेगर जॉन मेंडल को हम कहते हैं, लेसन 12 में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं कि कैसे कैरेक्टर्स पेरेंट्स से उनके संतानों में इनहेरिटेड कैसे होते हैं, कैसे पहुंचते हैं, आनुवंशिकी के सिद्धांतों का हम अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकी के प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, इसको कहते हैं जेनेटिक्स कहते हैं। और नंबर नाइन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास, जैव विकास क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में। लैमार्किज्म डार्विनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं कि इस प्रकार से सरल सिंपल ऑर्गेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में एक लंबे समय के बाद कैसे मॉडिफाइड हुए, कैसे चेंज हुए, उनके कैरेक्टर्स बिहेवियर कैसे चेंज होता है और कैसे उनका डेवलपमेंट होता है एक लंबे समय के बाद, तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हम अध्ययन करते हैं जैव विकास, कैसे जीवों का विकास हुआ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। फिर इसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट, एम्ब्रियो कैसे बनता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद 11वें पर है पैलियंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान, लाखों वर्ष पहले जो जीवधारी थे ऑर्गेनिज्म थे वो मरने के बाद पत्थरों में दब गए, रेत में दब गए, धीरे धीरे मॉडिफाइड हो गए, उनके प्रिंट के रूप में या पत्थर के रूप में सिलिकेट के जमा हो जाने से आज वो एक ऐसे रूप में प्राप्त होते हैं जिसको हम कहते हैं जीवाश्म, जो लाखों करोड़ वर्ष पूर्व थे, जो डायनासोर्स के जीवाश्म प्राप्त होते हैं, आर्कियोपटेरिस के जीवाश्म प्राप्त हुए, कुछ सीट के प्राप्त हुए जीवाश्म फॉसिल्स जिसको कहते हैं, तो उसका अध्ययन करते हैं हम पैलियंटोलॉजी कहते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी, ये सब ब्रांचेस है, आपको आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ाया जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी नाम से समझ गए होंगे,
माइक्रो बायोलॉजी क्या है? ये ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी के जिसमें हम ऐसे माइक्रोब से सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं जो या तो हमारे लाभदायक भी हो सकते हैं पर हानिकारक होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स के बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, इसको कहते हैं हम माइक्रो बायोलॉजी। फिर है आगे 18 बायो केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कि जीवधारियों के शरीर में कौन कौन से ऐसे पदार्थ एंजाइम बनते हैं या हार्मोन्स बनते हैं, उनकी केमिकल नेचर क्या है, उसको हम पढ़ेंगे बायो केमिस्ट्री में। और भी बहुत से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह होता है वो कैसे होता है, किस प्रकार से वो प्रक्रियाएँ होती हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं उसके सेल के जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये माइक्रो और जेनेटिक इंजीनियरिंग है और बहुत से ब्रांचेज जिसके हैं, जिसके मेन मेन ब्रांच आता है।